लाइब्रेरी में भी दो दिवसीय दौरे पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी आई और दो साल के करीब बताया जा रहा है, जनता कहती है दो साल बाद आए और उन्होंने जनता से मुलाकात ही नहीं, केवल भूमि मंत्र तक सीमित हुई। मॉर्निंग में वो अपने रवाना हो गए। कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने कहा कि मैंने इतना सामान भेजा है, बहुत सी बातें हुई और वो कुछ समय दिया है जनता को, कितने समय में मैं अपना चुनाव जीती हूँ, अभी तक नहीं निकली। क्या कहेंगी, रायबरेली में 5 विधानसभा सीटों को लेकर है, एक अमेठी में आती है, इसके विषय में क्या कहेंगे? जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रियंका गांधी जी जनता से नहीं मिली या जनता प्रियंका गांधी से नहीं मिली, हमारा तो कहना है कि अगले दिन प्रियंका गांधी से मिलने के लिए रायबरेली के लोग तैयार ही नहीं थे और इस कारण अगले दिन प्रातः प्रियंका गांधी चली गईं। प्रियंका गांधी ने प्रयास किया कि अगर सवेरे लोग मिलने वालों की संख्या हो जाए, 100 भी हो जाए तो मैं रुक जाऊं, लेकिन 100 लोगों ने भी प्रियंका गांधी से मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए प्रियंका गांधी दो दिन के दौरे को एक ही दिन में समेट करके और फिर से दिल्ली चली गई, मैं ऐसा समझता हूँ। रायबरेली में उन्होंने कहा कि मैं अख्तियार में जो जिला पंचायत चुनाव हुआ था उसमें भी उनके प्रत्याशी को हार हुई थी, उन्होंने उनसे भी मुलाकात, उन्होंने आरोप लगाया कि जो प्रत्याशी थे कि प्रशासनिक दबाव के कारण मैं हार गया। दूसरा ये है कि जो अभी उनकी दो सीटें कांग्रेस की थी, एक हरचंदपुर थी और एक सदर थी, वो भी इस समय योगी सरकार के बारे में बात कर रही है। तो आने वाले ये चुनाव में इतने साल बाद निकले हैं, कैसे ये जीत पाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि 3 बार ही 4 बार उनका आना हुआ है रायबरेली जब से वो लोकसभा के चुनाव से हुआ, कैसे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार सुविधा भोगी परिवार है, वो सुविधा चाहते हैं, सेवा करना उनके किताब में लिखा नहीं है, और सेवा करने के लिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तो परिश्रम करने में इस समय भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में नंबर एक पे है। हमारे देश के सबसे ज़्यादा मेहनती व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी जी और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको परिश्रम में नंबर एक पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देती है। अगर कोई मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो परिणाम भी उसके पक्ष में आएगा। ये मेहनती लोगों की पार्टी इस समय देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी नंबर एक की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। इसके आगे इन सुविधा भोगी पार्टी के नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की अब इस देश में चलने वाली नहीं है। मेहनत और परिश्रम पार्टी इस समय देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी नंबर एक की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। इसके आगे इन सुविधा भोगी पार्टी के नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की अब इस देश में चलने वाली नहीं है। मेहनत और परिश्रम के बल पर जो आदमी सेवा करेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो सुविधा भोगी लोग हैं उनको सम्मान उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में अब मिलने वाला नहीं है। रायबरेली की तो बात ही छोड़ दीजिए।